हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं HTTP वेब टेक्नोलॉजी की लेक्चर सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आज वाले इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हमारा HTTP वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। HTTP की फुल फॉर्म जो है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये काम कर रहा है हमारी एप्लीकेशन लेयर पे। OSI मॉड्यूल की जो एप्लीकेशन लेयर है वहां पे ये काम कर रहा है। इसका जो काम होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट है मतलब जो HTML से बना है, HTML लैंग्वेज में जो चीजें बनी है हमारी, उनको ट्रांसफर करने के लिए। इंटरनेट पे जब भी हमें कोई भी चीज अपलोड डाउनलोड करनी है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में, वो सारे के सारे जो कम्युनिकेशन होंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ रूल्स होंगे, जो हमारे रूल्स हैं, स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उनकी हेल्प से होंगे। और उन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। और जो यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होने वाला है वो प्रोटोकॉल यूज होगा HTTP। अब देखेंगे इस वीडियो में कि HTTP है क्या और ये कैसे काम करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है हमारा, वर्क्स ऑन एप्लीकेशन लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की हमारी एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये हमारा, जो हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन करवाने में। वेब ब्राउजर, जहाँ पे क्लाइंट जो होगा अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, और जो वेब सर्वर है जहाँ से वो रिक्वेस्ट फुलफिल होनी है उस पर्टिकुलर वेब पेज की, वो उनके बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करवाएगा हमारा प्रोटोकॉल। इट ट्रांसमिट द हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट। हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? वो डॉक्यूमेंट जो हमारा HTML लैंग्वेज में बना होता है, वो डॉक्यूमेंट हमारा ट्रांसमिट करवाने में ये हेल्प करता है ओवर इंटरनेट। लाइक हमारे वेब पेजेस जो होते हैं वो हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स, आप किसको बोल सकते हो? वेब पेजेस को बोल सकते हो। इट इज यूज टू हेल्प इन कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में। ये क्या है? एक्ट करेगा एज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका जो काम होता है वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल की तरह होता है, मतलब एक जो काम करेगा क्लाइंट की तरह काम करेगा और दूसरा जो काम करेगा वो सर्वर की तरह काम करेगा। क्लाइंट यहाँ पे होगा जो यूजर है, वो अपनी जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और जो सर्वर है, जो पर्टिकुलर सर्वर है जिसके लिए रिक्वेस्ट आई है, वो यहाँ पे एज ए सर्वर एक्ट करेगा, जो रिप्लाई करेगा हमारी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को। इन दिस वेब ब्राउजर इज एक्टिंग एज अ क्लाइंट and particular web server for which request is made act as a server। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। HTTP की हेल्प के बिना हम कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं करवा सकते हैं। इसकी वर्किंग देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहला काम क्या होगा? रिक्वेस्ट सेंड बाय द यूजर थ्रू वेब ब्राउजर। पहले क्या करेगा, जब भी हमें रिक्वायर्ड रहता है कोई भी वेब पेज को ओपन करना, वहां पे क्या करते हैं हम अपनी रिक्वेस्ट डाल दें। ये URL हमने कोई भी एक डाल दिया, हमने क्लाइंट ने क्या किया यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट टाइप की। टाइप करने के बाद वो जैसे ही एंटर करता है तो वेब ब्राउजर की हेल्प से हमारी इंटरनेट के थ्रू क्या है, उस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे वो रिक्वेस्ट चली जाती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है www.hssc.government.in। ये जो हमने एग्जांपल लिया है, ये रिक्वेस्ट जो क्लाइंट ने डाली है, ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे उस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे जहाँ पे ये पेज अवेलेबल है। अब ये वेब सर्वर कौन सा वेब सर्वर है जहाँ पे ये वाला पेज पर्टिकुलरली हमारा क्या है, अवेलेबल है? तो पहली हमारी ये रिक्वेस्ट जाएगी ब्राउजर पे इंटरनेट के थ्रू, ये हमारा वेब पेज पे आ गए हम। अब इस वेब पेज के अंदर हमारा टेक्स्ट भी अवेलेबल हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, और भी बहुत चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। तो इस वेब सर्वर पे जो चीजें अवेलेबल होंगी वो रिक्वेस्ट यहीं से फुलफिल होंगी। बाकी जो इस वेब पेज के अंदर और चीजें हैं वो हो सकता है दूसरे वेब सर्वर पे अवेलेबल हो, तो उनके लिए रिक्वेस्ट जाएगी उन पर्टिकुलर वेब सर्वर के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, इमेज के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है, ये एक इमेज बनी हुई है इस वेब पेज के अंदर, तो ये इमेज जाएगी उस पर्टिकुलर वेब सर्वर के ऊपर जहाँ पे ये इमेज अवेलेबल है, जहाँ पे ये स्टोर है। तो यहाँ से ये रिक्वेस्ट गई है, फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, एज अ रिप्लाई वापिस आएगी यहीं पे, यहाँ पे आके आपकी जो इमेज है वो स्टोर हो जाएगी। वीडियो भी इस तरीके से उस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे गई है जहाँ पे वीडियो स्टोर है, रिप्लाई में यहाँ पे आपकी वीडियो आ जाएगी जब ये आपका पूरा वेब पेज कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो काम है बहुत ही स्पीड से होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। आप यहाँ पे टाइप करते हो, आप यहाँ पे टाइप करके जैसे ही एंटर करोगे आपकी रिक्वेस्ट सामने से बहुत जल्दी सी आ जाती है। ये सारा काम जो है बहुत जल्दी सी हो रहा होता है। अब ये पूरा वेब पेज आपका यहाँ पे बन चुका है और ये वेब पेज एज अ रिप्लाई फिर आपके पास ब्राउजर के थ्रू कहाँ है, आपके क्लाइंट के पास आ जाता है। तो यहाँ पे एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल की तरह ही ये एक्ट हो रहा है सारा का सारा। ये जो आपका यूजर है ये एज अ क्लाइंट काम करेगा, ब्राउजर के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी। और HTTP यहाँ पे क्या करवा रहा है, HTTP का काम क्या है? HTTP यहाँ पे करवा रहा है ब्राउजर के थ्रू आपके वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेशन। जो आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो और जो रिक्वेस्ट फुलफिल होके आ रही है, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये विद द हेल्प ऑफ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है।
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आई थिंक आपको समझ आया होगा, वो प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन अवेलेबल करवाता है हमारे वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच में। जितना भी आपका हाइपर टेक्स्ट है उसको आप अगर ट्रांसमिट करवा रहे हो इंटरनेट पे वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट रहती है, और वो प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP। आई थिंक आपको इजिली समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।